शाबाश। हाँ जी, तो कोई भी आप सवाल पूछना चाहे माइक ले लीजिए और फिर आप बात कर लीजिए। गुरु जी, मैं अजीत भाटी जूनियर न्यूज से, सबसे पहले आपको नमस्कार और साथ बधाई आप इस तरह का जो सफाई अभियान चला रहे हैं। गुरु जी, जैसे आपने सफाई अभियान को नाम दिया है हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, क्या इसका ये मायना है क्या पूरी जो भी पृथ्वी पे गंदगी है उसे साफ करने जा रहे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं या कोई इस तरह का सफाई अभियान शुरू कर चुके हैं? जी जी, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के तहत अपने देश भारत में जगह जगह सफाई महाअभियान चल रहे हैं और पूरी दुनिया में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, यूके, लंदन में ऐसा हुआ है और हर जगह अमेरिका में, तो सब जगह अपने अपने स्टेटों में यहाँ यहाँ साथ संगत रहते, पूरे वर्ल्ड में साथ संगत है, तो हर जगह सफाई महाअभियान, खूनदान, पेड़ पौधे लगाना, ये बातें बढ़ चढ़ के वहाँ पे कर रहे हैं ये कार्य, तो ये अपने आप में बेमिसाल है और इसी के तहत ये नारा दिया गया है कि पूरी दुनिया से गंदगी साफ करनी है। गुरु जी, पहले वेलकम टू सवाई माधोपुर, हरभजन इंसान जी। तो मेरे दो क्वेश्चन हैं। राइट टू रिजल्ट के बारे में आप जी ने काफ़ी समय पहले दिल्ली में कहा था और अब हालांकि ये प्रावधान पूरा हो भी चुका है, तो गुरु जी ऐसे में पहली बात ये है कि वोटर अपने उम्मीदवारों का सही आकलन कैसे करें और क्या राष्ट्रीय स्तर पर राइट टू रिजल्ट के बारे में अलग जगह कर राष्ट्रीय या राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन लागू करने के बारे की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा चाहेगा नहीं। पहले दिल्ली में ये पूछा गया था आज से 2-3 महीने पहले कि जी क्या ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उस समय हमने बोला कि ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति महोदय कुछ ऐसा बनाए ताकि सब लोग सुधर जाएं, तो उन्होंने वो चीज़ बनाई है। और रही बात कि अगर सब जगह से ऐसा, कई जगहों से ऐसा होता है कि वहाँ पे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर से उतना खर्चा होगा और फिर से अगर रिजेक्ट हो गए तो बड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए भी उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने ये कानून बनाया है। गुरु जी, मैं सच कहूँ से संदीप सिंह मार। जी 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 जी। गुरु जी, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं, सुना है आपने कोई कुर्सी का नाम से कोई खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है तो राष्ट्रीय स्तर पर डेरा सौदा में करवाई जा रही है, गुरु जी क्या है उसके नियम और उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, गुरु जी जरा बताने का कष्ट। जी जी, हमारे समाज में आमतौर पे जो खाली होते थे नठिले लगे थे ये तो गुल्ली डंडा खेलता है, कुछ भी नहीं करता, तो उसी गुल्ली डंडा को हमने गुल स्टिक नाम दे के उसको नियमों में बांधा है और वो इतना इंटरेस्ट हो रहा है, इतना इंटरेस्टेड होता जा रहा है कि वहाँ क्लब बनने शुरू हो गए हैं नॉर्थ साइड में, पूरी जगह पे जगह जगह क्लब बन रहे हैं और वो क्रिकेट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गेम, क्योंकि वो हमारा देसी गेम है, हम चाहते हैं हमारी विरासत हम संभाल के रखें, हमारी संस्कृति को हम संभाल के रखें, क्योंकि उसमें जो रन है उसको रश बोला गया है कि दौड़ना, तो उसमें 4 भी हैं, 6 रश भी बनते हैं, 8 भी हैं और 10 रश भी बनते हैं, जो शायद क्रिकेट में संभव नहीं है। आप 60 गज का शॉट मारो तो भी वो 6 हैं और 120 गज का शॉट मारो तो भी वो 6 हैं, लेकिन गुल स्टिक में ये एक अलग नियम बनाया गया है कि जितना आप जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, जो कि हर कोई चाहता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बड़ा लोगों में बड़ी रुचि है और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है जब वो गेम खेला जाता है, तो उसको सेफ रखने के लिए तरह तरह के चीज़ें बनाई गई हैं कि ताकि वो सेफ रहे, किसी की चोट ना लगे, तो वो बहुत पॉपुलर हो रहा है उस साइड में, बहुत मशहूर होता जा रहा है, तो उसको नियमों में बांधा गया है और उसमें क्रिकेट, बेसबॉल और गुल्ली डंडा का सब समावेश है और उसको नए तरीके से बनाया गया, उसके नियम भी लगभग क्रिकेट से मिलते जुलते हैं। गुरु जी, मैं गिरिराज शर्मा हूँ ETV से सवाई माधोपुर में, प्रेस की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि राष्ट्रीय संतों पर ऐसे दुष्कर्म के और ऐसे व्यभिचार के आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक उचित और कितना कैसे किस तरीके से देखते हैं आप इनको? जी, हमने हर बार रोजाना ये सवाल हमारे सामने आता है और हर बार हम कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर कोई बुरे कर्म करता है और वाकई वो ऐसे बुरे कर्म कर रहा है तो रूहानी संत हो ही नहीं सकता, पर दूसरा सिक्के का ये भी एक पहलू है कि आज 10-10, 20-20 रुपए में लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं और किसी को अगर लाखों रुपए मिल जाए तो किसी पे लांछन लगाने में देरी नहीं लगाएगा, तो ये 2 सिक्के हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ये दोनों में से क्या सही है क्या नहीं तो ये तो भगवान ही जाने, राम ही जाने, तो हमारे ख्याल से सच्चे रूहानी संत पीर फकीर कोई बुरा कर्म नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो संत नहीं होते। गुरु जी, मैं सत्यनारायण नेहरा। गुरु जी, आज सवाई माधोपुर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है,
साथ ही आप सेवादारों को अध्यात्म की भी शिक्षा दे रहे हैं, तो अध्यात्म और सफाई का आपस में क्या संबंध है? जी जी, जो सफाई महाभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं, तो रूहानियत अध्यात्म में उसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, भगवान का नाम लेते थे, तो उस एरिया में यज्ञ महायज्ञ किया जाता था ताकि वातावरण स्वच्छ हो। वातावरण अगर शुद्ध होगा, वातावरण में स्वच्छता होगी, तभी भगवान में ध्यान जमेगा, तभी भगवान की तरफ ध्यान जाएगा। अदरवाइज दुनिया के बुरे ख्यालों में, बुरे विचारों में जीव उलझा रहता है। तो हम चाहते हैं कि अपने घर परिवार में रहते हुए लोग भगवान की प्राप्ति की तरफ बढ़ें, और ये जो विकार आ रहे हैं, जो गंदगी दिलों दिमाग में लोगों की आ रही है, ये मालिक उन्हें साफ कर दे उस गंदगी को, और समाज में सुख मिले, समाज में सुख शांति की बहार छा जाए। गुरु जी प्रणाम, मैं सतीश वर्मा आकाशवाणी से। जी, जिस तरह का आपका उद्देश्य रहा है कि पूरा विश्व एक स्वच्छ बने, तो लेकिन सबसे पहले जो गंदगी हम अपने आसपास देख रहे हैं राजनीति में, उसमें गंदगी साफ होने में आपको क्या लगता है कितना समय और लग सकता है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र बने? हमारे ख्याल से ये जनता के हाथ में बहुत कुछ, और अब तो जनता के हाथ में बहुत कुछ आ गया है कि अगर उस बटन को वो दबा देती है तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ हम कैसे हैं। फिर भी अगर जनता नहीं जागती तो कैसे किया जाए? और हमें लगता है आप समाज का चौथा स्तंभ हैं, जो भी मीडिया हैं आप लोग, तो आप जनता को जगाएं कि ये आपको मिल गया है, आपके हक मिल गया है कि आप जिसे चाहें उसे जुड़ सकते हैं, जिसे चाहें हटा सकते हैं। तो ऐसा अगर लोग जागरूक हो जाएं, हमें लगता है ये काफ़ी बड़ा कदम है, अगर इस पर लोग चलने लग जाएं तो ये स्वच्छता जल्दी आएगी। जी गुरु जी, धरती की सफाई, फिर राजनीति की सफाई, कार्यपालिका की सफाई, जिसमें रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का खात्मे के लिए बीड़ा उठाया गया है। मेरा एक सवाल पिताजी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर है। आप भारत के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, जो 5 से 6 करोड़ अनुयायियों को कम्युनिकेट करते हैं, उसी मास कम्युनिकेशन से लेकर। पहला सवाल कि समाज सुधार में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, और दूसरा गुरु जी पहले कहा जाता था कि चित्र हाथ ना देखें, फिर कहा जाने लगा फिल्में ना देखें, फिर विज्ञापन, लेकिन आज तो समाचारों में भी इतनी अश्लीलता आ गई है कि बाप बेटा या कोई बैठ के नहीं देख सकता, ना देखें तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि हमें मजबूरी में उसको देखना पड़ता है। तो कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? हमारे ख्याल से चौथा स्तंभ जो है वो समाज को सुधारने का काम करे। जो भी अच्छाई, नेकी, भले काम है, कोई ईमानदारी का काम है, कोई किसी की जान बचाता है। अब आज उसी एक चीज़ को कि इस नौजवानों ने रोड पे पड़े हुए किसी घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अगर मीडिया उसे उठा दे तो हमें लगता है पूरे देश में कोई घायल रोड पे तड़फेगा ही नहीं। भगवान ने जान तो उसने बख्शनी है, लेकिन आपके माध्यम से ये चीज़ अगर एक बार उठ जाए तो हर नौजवान तैयार हो जाएगा ये भला काम करने के लिए। और दूसरी बात, कोई भी नेक काम है, कैसा भी नेक काम है, कोई गरीबों का इलाज करवाता है, भले काम करवाता है, उनको उठाना चाहिए। और रही बात गंदगी की, अश्लीलता की, जो हमारे धर्मों में पाखंडवाद है उनको कई जगह पे उठाया जाता है। जैसे शासक ने पीछे हमें बोला, पहले हम टीवी नहीं देखते थे, तो सबने बोला गुरुजी टीवी जरूर देखा करो, तब हम जब भी समय मिलता, बहुत कम मिलता है लेकिन देखते हैं, जरूर देखते हैं। तो कई जगहों पे ऐसा दिखने में आता है ये भूत आ गया, रात को भूत आएगा, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका हमारे धर्मों में कोई लेना देना ही नहीं है। भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल पिचास, इनकी धरती पे कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर रूहानी मंडलों पे एक सजा के लिए जोनी बनाई गई है जिसमें आत्मा को वहाँ भेजा जाता है और वो तड़पती रहती है, किसी के अंदर वो प्रवेश नहीं करती। तो ऐसी चीज़ें दिखा दिखा के क्या साबित करना है? समाज को और खोखला करना है, समाज को और डराना है, क्योंकि नौजवान तो आगे ही कसरत नहीं करते, आगे उनके दिलो दिमाग मजबूत नहीं है, उतने स्ट्रांग नहीं है। और जब वो ऐसा छोटे छोटे बच्चे देख लेते हैं तो बाथरूम करने भी अकेले नहीं जाते, कहते नहीं वो वहाँ भूत बैठा होगा, क्योंकि इस तरह से दिखाया जाता है। तो गलत अश्लीलता की जो चीज़ें हैं उस पर बैन होना चाहिए हमारे ख्याल से तो, और जितने भी भले के कार्य हैं उनको बढ़ चढ़ के आगे लाना चाहिए, तो ये समाज सुधरेगा, ना कि सिर्फ नंबरों का चक्कर पड़े। हमारा ख्याल है समाज को सुधारने में जो भी आगे आए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान उनकी जोड़ियां खुशियों से भरे। गुरु जी, समाज उत्थान के लिए एक और सवाल यह बताते हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आसपास में कई गांव ऐसे हैं, पूरे गांव के गांव, जहां परिवारों में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। गुरु जी, सुना है कि आपने वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया है, वो क्या है और उसका यहाँ क्या फायदा मिल सकता है लोगों को, प्लीज वो बताएं गुरु जी।
जी हमने वैश्यावर्ती जो भी कोई लड़की मजबूरी वश ऐसा कर रही है उसको आह्वान करते हैं और आज भी आपके द्वारा आह्वान करते हैं कि वो आए, उसे हम अपनी बेटी बनाएंगे। उसको अगर कोई भी बीमारी है पहले उसका इलाज करवाएंगे। डॉक्टर हैं अमेरिका से भी आते हैं, जो हमारे अमेरिका में टॉप डॉक्टर हैं, इंडिया के टॉप डॉक्टर हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। वैसे कुछ ऐसी लड़कियां हैं और हमने 16 शादियां करवा दी, उनसे शादी करवाने के लिए 1500 से ऊपर नौजवान आज तैयार हैं। नौजवान 1500 जो शादी करवाने को तैयार हैं, वैसे ऐसे उनके बच्चा भी है तो भी वो उनको अपनाने को तैयार हैं। तो वो मुख्य धारा में आए और उनसे प्रार्थना ये भी करते हैं कि बेटा आपका बुढ़ापा 25-30 साल में ही आ जाएगा और उसके बाद जिंदगी नर्क में बन जाएगी, कोई बात नहीं पूछेगा। इसलिए गुजारिश है कि ये गंदगी छोड़ दें। और जैसे आपने बोला गांव के गांव, हमारी टीम ने सर्वे किया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई स्टेटों में, गांव के गांव छोड़िए, उनके माँ बाप अपनी बेटियों से ये धंधा करवाते हैं, अपने बच्चों से ये धंधा करवाते हैं। जो सेवादार गए उनको बुलाया गया कि ये तो उनके माँ बाप हैं, कहते नहीं ये लोग आप पैसे दो और वो घर है और ये इत्यादि। बड़ी शर्मनाक बातें, बड़ी हैरानीजनक बातें, हमारी संस्कृति पे बहुत बहुत बड़ा ये कुठाराघात है। और ये देखा गया उन्होंने जाके ऑफिसरों से मिले कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है फलां, कई लोगों से मिले पर किसी ने उस बात को नहीं उठाया। शरेआम पता है कि ऐसा हो रहा है, वो तो कहते जी हमारा तो बिजनेस है, हमारी तो कोठियां बंगले इसी से बनी है। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हमारी संस्कृति इतनी कभी नहीं गिरी थी जितनी इस कलयुग में गिर चुकी है। तो सबको मिलजुल के अगर प्रयास करें, मिलजुल के प्रयास करना होगा तब जाके ये बुराइयां हटेंगी। हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। आप पत्रकार समाज से भी हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी कोई ऐसी मजबूर लड़की आपको मिलती है आप आश्रम में लेके आइए, उनकी शादी करवाइए, भगवान आपके घरों में बरकतें डालेंगे, खुशियाँ जरूर बख्शेंगे। गुरु जी आपने एक इंसान के नाम से गीत गाया है जिसमें आपने भाईचारे का संदेश दिया है, तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो विवाद हुआ उसमें एक मास्टरमाइंड की भूमिका सामने आई है, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है। जी जी दिल्ली में सत्संग था और वहाँ पे शायद दिल्ली या दिल्ली के आसपास सत्संग था कहीं, तो वहाँ लोगों ने आके हमें बताया कि यूपी में ऐसा ऐसा हो रहा है गुरु जी। तो हमने उनसे कहने लगे जी कोई अपील कीजिए, तो यही अपील की कि हमारे धर्मों में कहीं लिखा नहीं है कि किसी दूसरे को नफरत करो, किसी से बुरा भाव रखो। हमने कहा ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये मास्टरमाइंड का काम है। और जैसे आपने बोला वो सामने आ गए हैं कि जिन्होंने ऐसा प्लानिंग की है, क्योंकि आम आदमी को कोई मतलब नहीं होता, इन चीज़ों से इकट्ठे रहते हैं, साझे घर होते हैं, आपस में साझे काम होते हैं, साझा गांव होता है, लेकिन जब कोई उंगली लगा देता है, जब कोई उन्हें भड़का देता है, शायद वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी तरफ उन लोगों को करने के लिए शायद ऐसे कुछ करता हो। तो ये लानत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और धर्मों में ये साफ साफ लिखा है कि आपस में प्यार करो, मोहब्बत करो, क्योंकि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। सच्चा प्यार जो भगवान से किया जाए, सच्चा प्यार जो भगवान की सृष्टि से किया जाए, जिसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ होता, परहित होता है, तो ऐसे प्यार की हर धर्म में लिखा हुआ मोहब्बत करो, प्यार करो, ये अलग अलग धर्मों में हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, प्यार की ही परिभाषा है। और हम ये गारंटी देते हैं कि इस मिनट अगर सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मान लें, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी, क्योंकि बुराई का तो नामो निशान नहीं है किसी धर्म में। गुरु जी मैं जीत भाटी फॉर रियल न्यूज से आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आदिकाल से जो है समाज और देश की उन्नति के लिए दो तत्व होते थे, एक आध्यात्मिक गुरु और साथ में जो भी शासन करने वाले थे, पहले राजा होते थे अब मिनिस्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में आज के परिवेश में देखते हुए कैसा रिश्ता होना चाहिए जिससे समाज में बदलाव आ सके? जैसा आपने बोला बहुत अच्छा पूछा है कि आज पहले ज़माने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपना गुरु कुल गुरु रखा करते थे और उनकी राय जरूर लेते थे, कोई मानवता या दुनिया के भले के लिए, अपने राज्य में भलाई के लिए ज़्यादातर राजा महाराजा ऐसा करते थे। आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। चलो किसी गुरु को ना लो साथ, किसी संत को ना लो साथ, लेकिन जिस धर्म के हैं आप उस धर्म के अनुसार समाज में कार्य कर दो। हमें लगता है किसी को भी कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। राजनीति धर्म के अनुसार हो जाए तो कहने क्या है, क्योंकि धर्मों में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हर तरह के नशे के महापाप माना गया है। तो इस समाज में कोई भी नशे की दुकान नहीं होगी। अगर कोई भी धर्म वाला ऊपर आता है, हमारे देश का राजा बनता है, तो किसी भी
नशे की दुकान नहीं होगी, नशे की दुकान नहीं होगी तो बहुत से झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आदमी का बुद्धि विवेक खराब नहीं होगा। और दूसरी बात, कहीं भी धर्म जात मजहब के नाम पे बंटवारा नहीं किया जाएगा, वो किसी धर्म में मान्य नहीं है। सब धर्मों में ये तो बोला गया है, जो भगवान का नाम लेता है वो बहुत अच्छा नहीं लेता, पशु समान ऐसे ही काफिर कहा जाता है। उसका मतलब ही यही है कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो तो बहुत ही नेक हैं, और जो नहीं करते वो काफिर हैं, झूठे हैं, वो गलत हैं। और ये नहीं बोला गया किसी धर्म को काफिर नहीं कहा गया जो हमने पढ़ा है, सभी धर्मों में। तो इस तरह हर धर्म में कोई भी धर्म का नुमाइंदा सच्चे धर्म को मान के अगर राज्य चलाए तो हमें लगता नहीं समाज में कोई बुराई रह जाएगी, सब बुराइयां खत्म हो सकती है। गुरु जी, हमने सुना है आप गाते बहुत अच्छा है, अगर अपनी मधुर वाणी में अगर कुछ संदेश दे जाए राजस्थान की भूमि को। जी, तो वही बात जो हर जगह हम एक सॉन्ग गाया करते हैं। अब यहाँ पे नशे के बारे में हम गा देते हैं, क्योंकि दो तीन बार से लगातार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक भजन हमारा चला और जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया नेट पे भी, तो लेकिन एक नशे का भी है। ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना, नशा न लेना रे, नशा न लेना, नशा लेने के बाद बढ़ता लेने का देना, न न न न न न न, ड्रग न लेना रे, ड्रग न लेना। आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद, स्वागत आप सबका और प्रसाद लीजिएगा, मानी खुशी बख्शे, आशीर्वाद। हाँ सेवादारों, आप चले बेटा, चले, शाबाश। सारे सेवादार अपने अपने ड्यूटियों पे, हिम्मत से इस नगर को बिल्कुल साफ करना है, चलिए शाबाश।